आप देख रहे हैं नंबर वन डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। स्पॉन्सर्ड बाय जी इंटीरियर पटना। नमस्कार, मैं हूं परितोष और आप देख रहे हैं टीडी न्यूज पर टीडी ब्रेकिंग। जी हां, मरीजों को अब नहीं होगी सांसों की कमी। कोरोना वायरस संकट के बीच देश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, स्वास्थ्य मंत्रालय, रेलवे विभाग, सेना, एयरफोर्स, पुलिस विभाग दिन रात लोगों की सांसों को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। सरकार विदेशों से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मंगवाने जा रही है। ये प्लांट हर घंटे करीब 2400 लीटर ऑक्सीजन तक बना सकते हैं। इन्हें लाने का जिम्मा रक्षा मंत्रालय ने उठाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, आइए देखते हैं। इस बार तो हमारे पास वैक्सीन का एक सुरक्षा कवच है, इसलिए हमें सारी सावधानियों का पालन भी करना है और ये भी सुनिश्चित करना है कि गांव के हर एक व्यक्ति को वैक्सीन की दोनों डोज भी लगें। भारत सरकार अभी 45 आयु के ऊपर के हर व्यक्ति का मुफ्त टीकाकरण कर रही है, हिंदुस्तान के हर राज्य में कर रही है। देश में हालात संभालने के लिए अब केंद्र सरकार ने एक नया फैसला लिया है, जिसके तहत अब केंद्र सरकार सिंगापुर और यूएई से रक्षा क्षमता वाले ऑक्सीजन टैंकर मंगाने जा रही है। इससे पहले जर्मनी से 23 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हवाई मार्ग से लाने का फैसला हो चुका है। इनमें से हर प्लांट प्रति मिनट 40 लीटर और प्रति घंटा 2400 लीटर ऑक्सीजन उत्पादन कर सकता है। मंत्रालय ने यह निर्णय ऐसे समय में किया है जब देश में कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से बढ़ा है और कई राज्य ऑक्सीजन की कमी का सामना कर रहे हैं। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को उत्पादन बढ़ाने के लिए बंद पड़ी ऑक्सीजन इकाइयों को दोबारा शुरू करने का निर्देश दिए हैं, ताकि जल्द से जल्द देश में ऑक्सीजन संकट पूरी तरह से दूर हो सके। वहीं किसी भी मरीज की जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से ना जाए। कोरोना वायरस से जुड़ी हर एक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़िए। टीडी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। नमस्कार।